सब सेंटर अच्छा से ध्यान अपने आगे प्रोजेक्ट बोल टाइप खाते हो पता होना चाहिए ना, अगर तो पता है अगर साथ होगी ना फिर उसी हिसाब से लासर भाई कैसे हो? कौन क्या होते हैं? लादर में आज पांच छह डॉक्टर आए तो ये प्रेशर है प्रेशर की दवाई लेनी है ये तो रखवाओ ना ऐसे घर में आए दुकान के ड्रॉप मिले सुबह अच्छा हाँ ना अच्छा ठीक ना ना कम नासिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेडिकल कम में अपने जो हमारे भाई हैं मेरे फ्रेंड भी हैं ये बहुत एक जिसको बोलते हैं फरिश्ता हम इनको बोलते हैं, लोगों के काम आते हैं हर वक्त। हमारे बीएमओ साहब अशरफ साहब इनको मैंने काफ़ी मुझे लगता है दो महीने से मैं बोल रहा था भाईजान एक कैंप यहाँ टापरी में रखिए ताकि यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं और यहाँ से किराया बहुत लेते हैं और कई लोग बेचारे अफोर्ड्स नहीं कर सकते हैं। तो बहरहाल बीएमओ साहब ने मेरी आर्ज सुनी और मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि वहाँ पर लगाएंगे तो आज इन्होंने कैंप लगाया। मुझे बहुत खुशी है, आप देखें यहाँ सैकड़ों लोग आए हुए हैं दवाई ले रहे हैं और अच्छी अच्छी क्वालिटी की दवाई मिल रही है। मैंने पूरा चेक किया, बहुत ही अच्छी दवाई मिल रही है जो कि बाज़ार में काफ़ी महंगी दवाई है। तो मैं इसके लिए इस कैंप के लिए यहाँ की जनता जिन्होंने मुझे अप्रोच की थी उनका धन्यवाद करता हूँ और ख़ासकर अपने बीएमओ साहब और अपने सीएमओ डोडा हमीर जगदीप साहब जी को भी धन्यवाद करता हूँ और सबका मेडिकल स्टाफ का धन्यवाद करता हूँ कि ये फार फ्लंग में आए और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि हमारे बीएमओ साहब जैसे पिछली दफा चिल्ली पहुँचे थे, चिल्ली तो हमारा बिल्कुल भद्रवाह का बिल्कुल अपने लास्ट कॉर्नर है जहाँ से ऊपर कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ भी एक इससे पीछे कोई आबादी नहीं है। तो मैं चाहूँगा बीएमओ साहब आगे भी ऐसा कॉर्नर पर कहीं जो बेचारे पहुँच नहीं सकते हैं वहाँ कैंप लगाएं ताकि ये एक ऊपर वाले की दुआ भी मिलेगी इनको और इनका जो है हौसला बुलंद होगा और हम भी लोगों के काम आ सकें। ज़्यादा नासिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना दूर भद्रवाह से दूर आकर फार फ्लंग एरिया में एक कवरेज देने के लिए आए हों। दूसरी बात मुझे ठाकुर साहब का थैंक यू कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे लोगों को खदमत करने का ये फार फ्लंग एरिया में मौका दिया। आज हमारे साथ यहाँ पर छः डॉक्टर्स आए हैं अलग अलग स्पेशलिस्टी के आए हैं, साथ में हमने लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस भी साथ लाए हैं और साथ में हमने ऑप्थल्मोलॉजिस्ट भी साथ लाया है। मेडिसिन मैक्सिमम हमने
कवर देने के लिए यहाँ पर सारी साथी लाई है। आपके माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आज हम पूरा दिन यही है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए, इस कैंप का फ़ायदा उठाए, क्योंकि 5-6 स्पेशलिटी फार फ्लंग एरिया में इकट्ठे आना बड़ा टफ है, लेकिन ठाकुर साहब ने रिक्वेस्ट कर ली। ये बहुत बड़ा दूर वाला गाँव है और मैं आज पहली बार यहाँ आया हूँ, सच में ये दूर है और बहुत ज़्यादा फार फ्लंग है, गरीब इलाका है। मुझे भी आज यहाँ पर अच्छा लग रहा है कि भद्रवाह के लोगों को मेरे के यहाँ आने से कुछ फ़ायदा हुआ है। आपके माध्यम से मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल में सर्जन भी आया है, 2-4 दिन पहले हमने बड़ी एक सर्जरी कर ली, जिसमें देसी जमाने में अगर कहेंगे तो अंतड़ियों में गंड पड़ा था, जो बड़े बड़े अस्पताल में होता है वो हमारे अस्पताल में हुई है सर्जरी। और दूसरी बात, ठाकुर साहब को मैं एक और मुबारक दबा देना चाहता हूँ कि हमारे अस्पताल में कल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है गाल ब्लैडर की। लैप्रोस्कोपिक मतलब हो गया जिस तरह बोलते हैं दूरबीन वाला ऑपरेशन, कल हमारे अस्पताल में दूरबीन वाला ऑपरेशन भी हो गया है। या तो ये सबको मेरी तरफ से मुबारक की बात है और आपको भी चाहिए हमारा भी साथ दे, तो यहाँ पर मेरी कोशिश रहेगी, मैं ये कैब करते रहूँगा और जहाँ पर भी हो सके मैं चाहता हूँ मेरे होते हुए भद्रवाह ब्लॉक में हेल्थ सेक्टर बहुत ऊंचा आ जाए। सबसे पहले तो मैं नासिर साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ इतने दूर दराज गाँव में आए, तो इसके साथ साथ मैं ठाकुर युद्धवीर जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनने इस बहुत दूर दराज फार फ्लंग एरिया में जो कि टापरी गांव काफ़ी दूर पर पड़ता है, तो यहाँ आके इन्होंने मेडिकल कैंप लगाया, तो इसके लिए मैं ठाकुर जी का और बीएमओ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ नासिर खान शाह जी का कि यहाँ पर जो कैंप लगा, दूर दराज इलाका है, यहाँ पर कोई उतना कम आता है। जो पहली बार हमने ये कैंप ठाकुर जी की कृपा से और अपने बीएमओ जी की कृपा से यहाँ पर लोगों को बहुत खुशी, आज बहुत उत्साह है इस कैंप को देखकर, और साथ में हम यहाँ के लोगों ने बहुत डिमांड की कि हमें सब सेंटर दिया जाए, क्योंकि यहाँ से जो डिस्पेंसरी है काफ़ी दूर है, लोगों को मुश्किल काफ़ी आती है, कहीं पट्टी का नहीं, कहीं किसी को ग्लूकोज चढ़ाना, किसी को इंजेक्शन लगाना, तो मुठोला यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं बीएमओ साहब अपने ठाकुर साहब से कि वो यहाँ पर एक सब सेंटर दिया जाए, हमारी बहुत जनरल डिमांड है। और ठाकुर साहब हर जगह बिल्कुल अच्छी यहाँ पर काम कर रहे हैं, और बिजली का काम, पाइपों का काम, पोलों का काम, जहाँ इस वक्त हम इनको बुलाते उसी वक्त वो यहाँ पर आते हैं और पूरे लोगों का मसला हल कर रहे हैं। धन्यवाद।